हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। हमारा जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दे और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा, तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। छोड़ना मत, क्योंकि फिर 12th में काम आने वाला है। ठीक है ना, दे रहे हैं क्वेश्चन सामने है, ये दिया है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया है। अच्छा, हम देख लेते हैं क्या आता है। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। क्या रेजिस्टेंस के बीच में सर, जैसे सर्किट दिया हाँ, उसमें रियो स्टेट और रेजिस्टेंस के बीच में फर्क कैसे पता चलेगा? दोनों देखने में तो सेम ही लगते हैं। रियो स्टेट में एक एरो दिया हुआ रहेगा ऐसे करके, और रियो स्टेट होता है। मेरे बुक में तो नहीं दे रखा है सर। देखो, होना चाहिए, नहीं दे रहा है तो फिर तो दिक्कत है। नहीं, रियल स्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियल स्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस तो कम या ज्यादा। मुझे डाउट था, हाँ, मैं खुद से पढ़ रहा था तो सर मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस तुम सिंपल ऐसे मान करके चलो, एक बैटरी है तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल निगेटिव होता है, तो इसके बीच जो वोल्टेज जो हम लोग काउंट करते मेजर करते हैं ना भी, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट मीटर से मेजर कर लो कितना आ रहा है डिफरेंशियल से। तो न्यूमेरिकली बेस्ड अगर मेरे को पूछे तो पता चल गया, लेकिन फिर भी मुझे समझ ही नहीं आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं सोचना चाहता हूं कि क्या ही अप्लाई करते हैं। अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वहां पर एक बैटरी लगाया जा रहा है, बस वैसे समझ। हां, मतलब लिखा ही हुआ है वी पुट अ सेल और अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। हां, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो कुछ और ही है। डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिया होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। हाँ, वो होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है, मतलब डिफिनेशन होता है, वो किसी चार्ज को इनफिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है, हाँ, उसके टर्म में दिया होगा। तो तुम फार्मूला से याद रखना, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना, तो ये समझ लेना कि इस चार्ज को इनफिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाया जा रहा है और लाने में कुछ काम हुआ है, इस काम को ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसे करके याद रखना। हाँ, डिफिनेशन, डिफिनेशन थोड़ा सा इसका टेढ़ा टाइप का है, मतलब नॉर्मली जल्दी समझ में नहीं आएगा। जैसे सर प्रैक्टिकली तो मुझे समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो वोल्टेज बोल रहे हैं, लेकिन थ्योरी मुझे समझने में बहुत दिक्कत है। तो डिफिनेशन उसका थोड़ा सा है, याद रखना कि हमको काम करने में किस कैसा काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, तो चार्ज को लाया जा रहा है इनफिनाइट से किसी पॉइंट तक। देखो पोटेंशियल होता है कि मतलब किसी चार्ज को इनफिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है ना, वो पोटेंशियल होता है, ये हमारा पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, वो किसी निश्चित पॉइंट से नहीं, यहाँ पर ये लिखना कि ये किसी निश्चित पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है। ठीक है, एक भी जो है वो इनफिनाइट से आ रहा है और ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसमें जो काम होता है वो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फार्मूला दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर लेना, एक इनफिनाइट लिखना, एक में लिखना कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाया जा रहा है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कितना सीरीज और कितना पैरेलल कम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल पहले कितना दिख रहा है, पैरेलल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल में है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग सबके जगह पर देखो, यहाँ पर अगर पॉइंट का नाम हम लोग ये भी ए और बी दे दिया है, ये ठीक है, यहाँ हम लोग कुछ सी दे देते हैं।
अब जब दो वायर एक ही टर्मिनल से जुड़ा रहे तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा पैरेलल में है। तो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों सीरीज में है, ए वाला रेजिस्टेंस और ए वाला रेजिस्टेंस तुम्हारा सीरीज में है, फिर ए रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लो जो सीरीज में है, तो सर्किट हमारा नया जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ऐसे हाँ आर आर टू आर हो जाएगा ना, सीरीज में सिंपल जोड़ देते हैं। डाउनवर्ड सब से भी विल बी आल्सो 2R हाँ नीचे भी 2R होगा, देन 1/R इक्वल पॉइंट ए बी हो गया और ए हो गया। अब यहाँ पर ए दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम लोग कैसे निकालते हैं आर, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट होता है आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर आर वन टू। प्लस आर टू तो यहाँ पर 2R × 2R कर दो बटा 2 और 2 4R। तो यहाँ से हम लोग का आ गया कितना आ रहा है, ऊपर में दोनों का मल्टीप्लाई किया नीचे में ऐड कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 8 से 8 कैंसिल, तो ये आर हो गया। तो अब इसका जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो अब वो इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, और ए हो गया बी और ए हो गया ए। अब देखो, अब ये दोनों फिर से सीरीज में है तो ये दोनों सिंपल फिर से ऐड हो जाएगा, तो आर ओ आर 2R, ये हो गया हम लोग का नेट रेजिस्टेंस। इस तरह से फिगर को ही धीरे धीरे छोटा करते चले जाएंगे। समझे तो फाइनल आंसर भी 2R टू आर तुम्हारा कितना आ रहा था? सर मानी जो समय R+1/R नहीं तो तुम शायद पैरेलल में गलती किया होगा, यहाँ पर ए वाला याद रखना, नहीं तो फिर इसको निकालने का एक और तरीका है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R + 1/2R। यस सर तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2R, और ऊपर में 1 और 1 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ए आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर अच्छा आर। तो ये ओके तुम सर शायद हाँ इसको सीधा नहीं किया हाई होगा, लेवल से प्रॉपर डिटेल्स हाँ तुम इसको रिवर्स नहीं किया होगा, इसलिए 1/R रह गया ओके तुम्हारा। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको हटा देना। हाँ बोर्ड्स में ऐसा आ सकता है। एक्चुअली नाउ स्कूल अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वन टॉपिक वाज डिस्कस्ड दैट इज सीरीज पैरेलल कंबाइंड सो डिस्कशंस आर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ हाँ एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे हम, आज ही करवा देते हैं, इस टाइप से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये 2 ओम है, 1 1 1 1 2 और इधर फिर 2। पहले तुम लोग एक बार ट्राई करो, तो पहले यहाँ पर देखो ये सीरीज में 2 ठो है ना, इसको ऐड करके 2 कर देना, My answer is coming 14/3 ohm or 4.66 ohm. 4.66। Six, हाँ, ohm. देखो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ए रह गया 2, ए हो गया 2, ए भी 2 बीच में और नीचे 2, यहाँ पर फिर 2। तो अब ये तीनों पैरेलल में हो गया, अब इन तीनों के जगह पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे। उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2/3, तो यह आ जाएगा 0.667 लगभग, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नया सर्किट है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर 2 ओम है, 2 रहने देंगे, बीच वाला जो था वो चेंज होकर के आ गया है अब 0.67, और फिर लास्ट वाला है हम लोग का जैसे था वैसे ही रहने दिए 2। अब ये तीनों सीरीज में हो गया तो आर ए भी निकालने के लिए ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4, 4.67। अब हम कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये वाला है 3 ओम, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है कॉन्साइज बुक का, ये है 3 ओम
और ए वाला है तीनों। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ए वाला है तीनों में ए भी। और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक यहाँ पर, और ये दोनों भी 3 3 ओम का है। निकालना है ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो तो तुम लोग, आंसर शायद 8.25 दिया है। तुम्हारा हर्ष नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। हाँ देखो, इधर स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहला प्रॉब्लम ए, तो स्टार्ट हमेशा इंड पॉइंट से करना है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से मत करना। इधर से देखो, ये 3 ठो हमको सीरीज में दिख रहा है, 3 3 3 करके, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। 3 6 9, ये तीनों को मिला करके टोटल 9 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक पैरेलल में 3 ओम लगा हुआ है, फिर यहाँ पर है 3 ओम, फिर यहाँ पर 3 ओम। अब ए और बी, अब यहाँ से देखो 9 और 3 ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू। तो ये 9 × 3 27 और 9 और 3 12, तो ये आ गया 27/12। 27/12 कितना आएगा? 2.30 आ गया, 24 60, 2.25। तो अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों के इक्विवेलेंट में लगा सकते हैं 2.25, और बाकी जो जैसे था वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखो, अब ये तीनों सीरीज में हो गया, तो अब तीनों को सिंपल ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा, 6 2 8.25, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाला दिया हुआ है 2 ओम, उसके बाद यहाँ पर है 2 ओम, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर एक तो यहाँ पर है, ये सारा 2 2 ओम ही है। हम लोग को निकालना है बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ए बी के बीच नेट रेजिस्टेंस, सर आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सर हाँ क्वेश्चंस कहाँ पे हैं मुझे बता देना ना सर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18, एनसीईआरटी नहीं कॉन्साइज में। अच्छा मेरी बुक में है वही तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन है देखते हुए। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ये शायद बी एक्सरसाइज है। हाँ बी एक्सरसाइज अभी सॉल्व नहीं करी मैंने। देखो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई चेंज कर रहे हैं, ए और बी इसके बीच रेजिस्टेंस निकालना है, थोड़ा समझ में आ रहा है, और इसको मिटा देते हैं। अब क्लियर हो रहा है? ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस। सर बट हाउ टू डू हाँ, सर आर वन इसका आ जाएगा 600 माना चाहिए ना आर वन फर्स्ट आर वन मतलब, रेजिस्टिविटी। हाँ सर आर वन मतलब रेजिस्टिविटी वन मतलब पहली रेजिस्टिविटी। पहले रेजिस्टिविटी नहीं निकालना है, ये तो हम लोग को आर ए भी चाहिए, ए और बी हाँ के भाई बीच सर दो रेजिस्टिविटी होती है, दो रेजिस्टिविटी होती है दो एक तो पहली रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी है। हाँ दो वही रेजिस्टेंस बोलेंगे। हाँ वही तो एक को ए वाला पकड़ो और दूसरा देखो, ए वाला जो लगा हुआ है ना, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है? अच्छा। हाँ ओके तो यहाँ से हम लोग ऐसे रखते हाँ हैं, उससे ना वो इंडस्ट्री ओके हो गया ना? ये तीनों को मिला नाम कर कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6, ये 6 ओम हो गया, और ए वाला हो गया 2 ओम, और ए और बी। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो आर ए बी हो गया हम लोग का 6 × 2/6 + 2,
12/8, 3 और 2, 1.5 आ गया। हाँ सर, पहले वाला 1.5 ही आ गया है ठीक है ना। A2B का। और सर दूसरे वाले में शायद टू, हाँ टू टू आना चाहिए, टू अच्छा, ओम्स आना चाहिए। दूसरा हम क्या करते हैं कि B यहाँ से हटा करके और यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर। अब देखो तो A और B के बीच कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन सेंड करो तो तुम दोनों कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, यहाँ पर A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है और कॉपी पर सॉल्व करके व्हाट्सएप करो। ये क्वेश्चन थोड़ी ना 19 पर है, कौन सा क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 18 ही है, 18 के B है A और है। C के अच्छा बीच, वो A और C के बीच बोला है, हम वहाँ पर B कर दिए हैं। हाँ वही तो, ठीक है। ठीक है अंकित, तुम्हारा ओके सर, मैं भेज रहा हूँ फोटो, हो गया ना, फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ठीक। फोन अभी मेरे पास है नहीं, फोन लाना पड़ेगा एक मिनट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ, देख लेते हैं उसका। सर टुडे वी विल डिस्कस जूस का फिटिंग। हाँ करेंगे। अच्छा था ना, टेक्नोलॉजी सर भेज दिया। सर आपको कौन सा नंबर पे भेजना होता है ना, दोनों ही नंबर पे, एक किसी दूसरा पर भी नंबर भेजो ना, भी दोनों भेज एक ही मोबाइल में है, दो। तो अच्छा किसी ठीक पर भी है भेजो। सर, आंसर क्या है, 1/2 होगा ना आंसर। दो नहीं, आंसर कितना आया था? 4-2 आया था। कैसे, भेजा हूँ सर जरा देख लेना। अच्छा, हम देख रहे हैं। तुम 2 और 2 4 ठीक किया। देखो, A 1/R 1/2 आया है, देखो तुम लिखे वन हो बाय खुद, आर 1/R आया है तुम्हारा, 1/2 लिखे हो ना, हाँ तो R यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। दोनों को उल्टा करेंगे एक साथ ना। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा हम लोग का A दोनों, हाँ, ये तो 1/R है, ठीक है ठीक है, हाँ तो 1/R है। अच्छा हाँ समझ गया सर, ये आर इज इक्वल टू बी, ओके। दोनों सीरीज में था तो यहाँ से आ गया 2 और 2 4। देखो पैरेलल में जब सेम रेजिस्टेंस दो ठो लगा है ना, तो हम लोग डायरेक्ट उसका आधा करके आंसर लिख सकते हैं, सेम सर रहने लेकिन से। एग्जाम के उसमें तो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है ना, मैंने तो हाँ आपको उसी लेकिन वैसे ही करना एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और देखते हैं, है। सर द चैप्टर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच फ्रॉम व्हिच बुक यू विल बी क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर मींस व्हेन यू विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव, सो फ्रॉम व्हिच पार्ट यू विल बी क्वेश्चन, आई मीन व्हिच बुक। वो तो ऑब्जेक्टिव सारा तुम लोग का ओलंपियाड वाला बुक से ही होता है, अच्छा सब्जेक्टिव सर जो। मैं एक कह रहा था कि सर एक तो आप थोड़ा एडवांस लेवल का टेस्ट लेते हैं, तो भी सर हाँ एक टेस्ट आप बोर्ड्स लेवल का भी लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड्स यस लेवल सर। के क्वेश्चन हम कर हाँ पाते बोर्ड हैं, लेवल नॉन का तो लेवल लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री का तो लिए थे बोर्ड्स लेवल का एक सर। ठो ट्रिग्नोमेट्री का बोर्ड्स लेवल का थोड़ी ना था, ना ट्रिग्नोमेट्री का काफी ना हार्ड था। एक तो और क्वेश्चन पेपर हम तुमको सेंड किए थे सब्जेक्टिव। हाँ वो तो इजी था, नहीं मार्क्स जिसमें जैसे आपकी वेबसाइट में देते ही मार्क्स पता चल जाते हैं ना, उस हिसाब से एक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वैसा टेस्ट होना चाहिए कि एक हाँ बोर्ड का लेवल पूरा यस एक। राइट, बोर्ड लेवल का करवाएंगे। जी सर मतलब हम लोग हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो इजी भी बन जाएगी। ना ना, बोर्ड लेवल का करवाएंगे, दो टेस्ट, अच्छा हर चैप्टर का दो टेस्ट करेंगे, एक बोर्ड लेवल एक ओलंपियाड हाँ लेवल। ये इस टाइप का दिया हुआ है, A और B के बीच निकालना है हम लोग को नेट रेजिस्टेंस। सॉल्व करो तो कॉपी पर सेंड करना सॉल्व करके। सर, ये कौन सा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 20th क्वेश्चन है ना, 13 नंबर है। 13th। अच्छा कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है ना।
सर इसमें एक्स से मार्किंग दे रखी, तो आप जो भी एक्स वाली मार्किंग है वो उसमें एक्स लिखते तो ठीक रहेगा। एक्स मार्किंग किया है। हाँ एक्स मतलब जैसे सर एक्स ए वाई है, और मतलब एक्स ए वाई और एक्स बी वाई देना पड़ेगा, तो फिगर में एक्स भी मार्क करके रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन में हाँ एक्स भी है फिगर में। एक्स बी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ए और बी तो लिखा है। एक्स एक्स भी तो है ना सर, एक्स एक्स तो हमको नहीं दिख रहा है। तेरा नंबर ही दिख रहा है ना, हाँ मैं तो 13 भी देखता हूँ। सेम यही फिगर दिया हुआ है और ए और बी लिखा हुआ है। तुम्हारा क्वेश्चन टू एक ओम आया। अच्छा सर, 3 ओम, 3 ओम सर, देयर इज अ नेक्स्ट पिक्चर, अच्छा सो दैट 1 ओम फॉर द रेजिस्टर्स इन अच्छा पैरेलल। हाँ तो सर प्लीज चेक माय स्टेप आर दे करेक्ट। हाँ चेक कर रहे हैं। सर करेक्ट समय कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है ठीक। सर आंसर इज करेक्ट। हाँ आंसर सही है। सर मेरे से नहीं हो रही वाला। नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, आंसर ही है। पहले पहचानो इसमें सीरीज में, देखो ऊपर वाला 3 ठो सीरीज में दिख रहा है, हाँ है। तो इन तीनों को सीरीज में पहले ऐड कर लो। देखो स्टेप, देखो अंकित थोड़ा सा स्टेप ठीक करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बीच में एक नाम खुद से दे देंगे एग्जाम में लिखने के लिए, इसको हम दे देते हैं नाम एम और एन। हो गया अगला आगे स्टेप में हो गया, 3 ओम आ गया। मैं आपको स्टेप्स भेज देता हूँ। हाँ करो। फिर मेरा कैलकुलेशन वही वापस एरर हो गया था, कैलकुलेशन का थोड़ा ऊपर नीचे का। इसको तुम क्या करना अंकित, कि ये जो ठीक किया तुम बीच में ऐसे अलग निकाल के उसको कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरह से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता चलेगा कहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं। जैसे ये 3 हुआ ना, तो एक बार 3 यहाँ दिखा देंगे, ये 2 दिखा देंगे। अच्छा मींस द होल फिगर। हाँ होल फिगर साथ में लेके चलेंगे ना, तब पता चलेगा एग्जामिनर को कि कहाँ पर क्या कर रहा है। A1 और फिर ये हमारा B और यहाँ पर एम और यहाँ पर एन। तो ए फिर यहाँ पर एम और यहाँ पर एम और एन के बीच सॉल्व करके, साइड में सॉल्व करके जितना आएगा सर यहाँ आप पर एक लिख मिनट रुक लेना। सकते हैं क्या, कि मेरे को लगता है मेरा अब हो जाएगा, तो आप मेरे को 5 मिनट दें, मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है हो जाएगा एकदम ठीक है तुम 5 मिनट। करो। सर वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक्स और वाई पॉइंट ले रहा था, एक्स और वाई पॉइंट, तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो फिर मैंने किया ही नहीं, मुझे लगा कुछ और तरीका होगा। फिर आपने जब एम और एन दिया ना, तब मुझे क्लियर होगा कि अच्छा चलो हाँ सही है। तो मतलब ए और एन की जगह पर एक्स और वाई ले लिया है ना। मैं पहले भी वही कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला देखते कैसे करना है, तो जब आपने एम और एन दिया ना, तब मुझे समझ में आ रहा कि चलो सही था। ठीक है ठीक है। इसके साथ थोड़ा फिगर भी बना देना, ठीक है। लिखे तो ठीक हो स्टेटमेंट, फिगर भी बना देना। तो ये बीच में आ गया था 3, 6 और 2, इसको इक्विवेलेंट कितना आया, 1 आया था। यस सर, 1 आएगा वन ना, तो और इधर फिर 1। तो अब आ गया है 3। सर आफ्टर दिस कुड यू टेल मी द एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन पेज 216 नंबर 2। बोलो कौन सा। सर पेज 216, स्क्रॉल टू पेज 216, 116 ये तो 201 सर टू है, हंड्रेड सिक्सटीन 216 ये वाला क्या। नो सर आफ्टर दिस, हाँ दिस पेज सर नंबर 2। 2 नंबर एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 50 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फिगर बना पा रहे हो, फिगर हमको एक बार ड्रॉ करके भेजो तो। हाँ सर फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ वही बोल रहे, फिगर अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो एक बार फिगर पहले अच्छा बनाकर सर सेंड एक करो। और एक और मुझे डाउट था कि सर जैसे केमिस्ट्री में जब हम लोग को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए सर एटॉमिक मास चाहिए होता है, तो वो एग्जाम में देता है या हमें याद करके जाना पड़ता है। नहीं एग्जाम में देना चाहिए, ऐसे 20 तक याद होना चाहिए, लेकिन 20 के बाद देना चाहिए नहीं एग्जाम। 20 तक याद है, लेकिन सर जैसे काफी वीक हो जाता है, ना ना क्योंकि सर 20 के जो मेरे बाद पास दे। बुक है ना पीवाईक्यू वाली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, हाँ तो वो लेकिन दे बुक के देगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। दे देगा। ऐसे याद रखना है तो 20 तक ही रखना है, उसके बाद नहीं रखना है। हाँ
फिगर इसका ड्रॉ करो दो नंबर का। ठीक है, 150 और 500, ये तीनों पैरेलल में लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक और आयरन लगा हुआ है, ठीक है, पैरेलल में चौथा वायर, तीन तो हो गया, एक चौथा भी है। कितना कितना ओम है? 100 ओम, और उसके बाद 50 ओम, और इसके बाद 500 ओम, ठीक है, और एक तो चौथा वायर लगा रहेगा जिसका रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है। अब बोला है ना कि इसमें से अकेला उतना ही करंट जा रहा है जितना इन तीनों से होकर के टोटल करंट जा रहा है, और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, तो बता सकते हो इन तीनों से होकर कितना करंट पास करेगा, इन तीनों से होकर के। सर वे हैव टू अप्लाई द ओम्स लॉ ना, हाँ, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, और हम लोग चाहें तो तो सब इंडिविजुअल, जानता है तो फाइल द आर वो के सर वे हाँ देखो तो एक क्वेश्चन, ठीक है, हर्ष देखना है इसको ठीक से। हाँ सर वे सर माय करंट इज कमिंग 9.04 एम्पीयर कैसे निकाला इंडिविजुअल? सर फर्स्ट आई फाउंड द IEQ दैट इज 31.25 ओम एंड देन बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू IR सो पुटिंग द वैल्यूज आई गॉट आई इक्वल टू 9.04 ओम पहले आर इक्विवेलेंट निकाला तीनों का, हाँ 31.25 ओम ठीक है, हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 500, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 500, तो 5 प्लस 10 प्लस 1 16/500, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 500/16, 31 पॉइंट कितना आया? सर 31.25 टू फाइव। तो ये हम लोग का अब नया जो सर्किट हो गया वो कुछ इस टाइप से हो गया, ए 31.25, और यहाँ से एक ठो सर्किट। सर इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट द इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड पैरेलली ओनली देखो अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे ना तो सीरीज में, अच्छा हम अगर कनेक्ट करते हैं तो दोनों से इक्वल करंट पास करेगा, फिर रेजिस्टेंस और कुछ भी वैल्यू हो इक्वल ही करंट जाएगा। सीरीज में अगर कनेक्ट कर देंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर तो ए वाला ठीक है, तीन ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर अगर आयरन वाला हम लोग लगा देते हैं और सप्लाई देते हैं, तो पूछा है कि यहाँ पर बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक मच करेंट एज ऑल थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करेंट थ्रू इट। तो ये यहाँ से अगर आई निकालोगे ना तो निकाल ही नहीं पाओगे, जब आई यहाँ पर निकलेगा ना तो दोनों एक साथ रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडिविजुअल के अक्रॉस करंट नहीं निकाल पाएंगे, भी बटा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो कि हम लोग को पता है आर प्लस आर, लेकिन ए आर तो हम लोग को पता ही नहीं है, ना आई पता है ना आर पता है, तो दोनों को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो एकमात्र पैरेलल ही होगा। और ऐसे लिख दिया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सोर्स के अक्रॉस लगा हुआ है इधर कहीं, ठीक है, सोर्स यहाँ पर है तो इधर कहीं ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ एक ही बात है। तो यहाँ से देखो करंट इसमें से अब कितना जाएगा, तो वहाँ से करंट हम लोग निकाल लेंगे आई बराबर भी बटा आर करके, भी कितना है 220 और आर आ गया 31.25, और बोला है कि इतना ही जो करंट है जा रहा है हमारा नीचे वाला वायर से, तो नीचे वाला वायर में इतना, रुक जाना एक फोन आ रहा है। कहाँ पर थे हम लोग? ए वाला ना, ए वाला करंट और ए वाला करंट इक्वल हो जाएगा ना। सर यू रिपीट व्हाट यू टोल्ड
यहाँ पर हम लोग बोला है क्वेश्चन में कि जितना करंट इस ऊपर वाला वायर से जा रहा है ना, उतना ही करंट इस नीचे वाला वायर से जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला में करंट कैसे निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, जब इसमें करंट निकाल रहे हैं ना तो हम देखेंगे कि इसके एक्रॉस वोल्टेज कितना है। अब यहाँ पर देखो, ए वाला वायर जा करके इस बैटरी से जुड़ा हुआ है और वोल्टेज 220 है। तो वोल्टेज भी रहेगा कांस्टेंट नहीं है पैरेलल कनेक्शन। हाँ, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 220। हाँ तो यहाँ से हम लोग इसका वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है वो ले लिए, और बटा इससे जो करंट रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू यहाँ पर रख लिए, तो आई बराबर वी बटा आर हो गया। तो इतना करंट इस वायर से होकर के जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, इस वायर से जो करंट निकाले। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ना कि जितना इस रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है उतना ही करंट इससे भी जा रहा है, तो सेम करंट इससे जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर फिर से हम लोग यूज कर लिए वी बटा आर, और करंट उतना ही रखे जितना पहले था। अच्छा तो यहाँ से 220 220 कैंसिल हो गया और हम लोग का आ गया आर बराबर 31.25। मतलब कि हमारा जो नीचे वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 31.25। जस्ट आफ्टर दिस सर कुड यू मेक अस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ रिलेटेड टू नंबर सर दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन आई सॉल्व अच्छा बट अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर नाइदर इन नेट और नॉट इन दिस अच्छा, सो सम क्वेश्चंस यू मेक अस सम। ठीक है, इस टाइप का हम देख लेंगे। हाउ सर कैन मैं सी क्वेश्चन रेजिस्टर, नंबर क्वेश्चन फोर नंबर सर फोर हो गया है वाला, ऊपर वाला। बेटे सर दिस एनसीईआरटी नंबर फोर आई वाज एबल टू सॉल्व बट सम अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। अच्छा, ये फोन नंबर तुम कर चुके हो। यस सर आई कुड सॉल्व इट बट सर आई वांट टू प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। देखते हैं उस टाइप का। और ये वाला 5 नंबर, फाइव हाँ सर इट विल बी बाय सीरीज कनेक्शन। हाँ नो सर पैरेलल आई पैरेलल हाँ सीरीज हाँ, लोएस्ट जब करना हो तो पैरेलल और हाईएस्ट जब करना हो तो सीरीज। सीरीज ओके सर। देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन और है कि नहीं, कौन सा आइज में देखते हैं एक बार। कहाँ गया, थ्री रजिस्टर। सर ये क्वेश्चन है जहाँ पे भी आपके पास वहाँ पे भेज ही देना एक क्वेश्चन नंबर 8 है या 9 है, 9 है। मेरी बुक से ना मेरी हाँ बुक। लेकिन सर अगर कोई आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराओ ओलंपियाड वाली बुक से तो आप हमें भेज देना ताकि हम वो टेस्ट वगैरह के लिए भी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, लिखो, थ्री रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे आर टोटल रजिस्टेंस इज 3 ओम। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब 2 ओम के 3 रजिस्टर है, इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि टोटल जो रजिस्टेंस आए वो 3 ओम आए। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो ड्रॉ ए डायग्राम टू सो शो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड चेक इट बाय कैलकुलेशन। मतलब उस रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल 3 हो जाए। So this can be done by connecting one resistor of 2 ohm in series and then 2 in parallel. हाँ, दो पैरेलल में कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और एक सीरीज में कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। हाँ yes sir 2 plus 1 will become 3 ohm. एक और क्वेश्चन लिखो। यू हैव 3 रजिस्टर ऑफ वैल्यू 2 ओम 3 ओम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव थ्री रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम, यू हैव थ्री रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, हाउ विल यू ज्वाइन देम? So that the total resistance is less than the total resistance is less than less than 1 ohm. सर आप पीडीएफ भी भेज देना ना जो मैंने आपको भेजा था, कुछ अगर स्टोरी रेफर करनी है तो भी कर सकते हैं। कौन सा पीडीएफ? मेरी बुक का, मेरे पास तो एनसीईआरटी है लेकिन कौन सा है स्कूल में मिलती नहीं है, तो भेज देना आप पीडीएफ। कौन सा तो है ही तुम्हारे पास? मेरे पास है सर, लेकिन आप इनको क्वेश्चन करवा रहे हो तो पीडीएफ भेज देना डायरेक्ट आप। ओ अच्छा, हाँ वैसे भी हो उसमें सकता बहुत है। क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे जो जो अच्छा था हम चूज करके करवा दिए हैं लगभग। सर काम दो नहीं हो रहा है। सर, एवरी टाइम आई एम ड्राइंग आई टेल सीरीज ऑफ पैरेलल इट इज कमिंग मोर देन वन। यू हैव थ्री रजिस्टर ओ ला कर रहे हो ना, 2 3 5 ना, हाँ 2 3 5 हाँ वो तीनों तो को मैं यूज पैरेलल कर में रहा कर था दो, सर। तीनों को पैरेलल में करने से देखो एक से कम आ रहा है कि नहीं, सर माय आंसर इज कमिंग 1.03 कम। तीनों को पैरेलल करने पर हाँ सर व्हाट यू स्टिल चेक। चेक कर लेते हैं कितना कितना है, 2 3 और 5, तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 30, तो 15 प्लस 10 प्लस 6, 15 10 25 और 6 31 आ रहा है ना, तो आर अच्छा इक्विवेलेंट। हाँ 30/31 विल बी लेस देन वन। हाँ सर आई डिडंट रेसिप्रोकल इट ओके। हाँ उसको ध्यान रखना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म वायर ए यूनिफॉर्म वायर विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पीसेज एंड देन दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, मतलब 27 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको 3 इक्वल पार्ट में काट करके और फिर पैरेलल में ज्वाइन कर दिया ऐसे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सर इक्वल पार्ट मींस दैट ईच रेजिस्टेंस विल वैल्यू ऑफ 1 9 ओम। हाँ 9 ओम हो जाएगा। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम। 3 आ जाएगा ना, 999 पैरेलल में तो 3 हो जाएगा। हाँ इसमें पहला निकालना है फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड आर का वैल्यू, और थर्ड
करंट फ्लोइंग इन आर, आर से कितना करंट जा रहा है और निकालना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? आई आर नीचे वाला जो रजिस्टर लगा है उससे कितना करंट पास करेगा। सर कुड यू शो द सिंबल ऑफ मेटल विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, यहाँ पर ए पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ए बड़ा वाला है तो करंट इधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। सर मींस ड्रॉ द डायरेक्शन इन ईच एंड एवरी वायर। सर ड्रॉ द डायरेक्शन इन ईच एंड एवरी वायर। हर एक वायर में इधर से आ जाएगा ऐसे ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न। ऊपर वाला भी नहीं जाएगा, ऊपर वाला वोल्ट मीटर है, इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, वहाँ से करंट फ्लो नहीं करता है। बस इतना। सबसे पहले पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग सीधे ओम्स लॉ, देखो इसको तो हम हटा देते हैं सबसे पहले, ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है ऊपर बना रहने से, तो इसको हम हटा दिए, इसको भी हटा करके सीधे यहाँ पर एक ठो बैटरी लगा देते हैं, इसे देखने में थोड़ा सिंपल लगेगा, 4 वोल्ट का। अब देखो यहाँ से टोटल 4 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से टोटल करंट जो जा रहा है 0.4 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा वी बटा आई, टोटल वोल्टेज बटा टोटल करंट। टोटल वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट और टोटल करंट 0.4 इक्वल टू 10 ओम, टोटल मिला करके 10 होगा, मतलब सर्किट हमारा कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पर जाएगा 0.4 एम्पियर और ए वाला हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर 4 वोल्ट, इस टाइप का सर्किट होगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड, अब तो निकाल लोगे आर का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो हम लोग ये दोनों पैरेलल में हो गया ना, 20 और आर, तो टोटल मिला करके 10 आना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 बराबर 20 इंटू आर बटा 20 प्लस आर होगा, ये दोनों पैरेलल ही तो मिल करके हुआ है 10, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कितना आता है, तो ए 0 0 कैंसिल हो गया, तो ए आ जाएगा 20 प्लस आर इज इक्वल टू आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो आर को इस तरफ लेकर के चले आओ तो आर बराबर आ गया 20, सेकंड का आंसर ए भी 20 हो जाएगा। और देखो 20 20 मिल करके 10 हो जाएगा, दो ठो पैरेलल में लगाए तो, और 10 ही चाहिए था। उसके बाद पूछा है कि आई आर इससे कितना करंट पास कर रहा है, तो देखो टोटल करंट 0.4 एम्पियर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 0.2 एम्पियर इससे जाएगा, और वैसे नहीं निकालना चाहते हो तो ओम्स लॉ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से आई आर इज इक्वल टू वी आर, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बटा इसका रेजिस्टेंस 20 आया था, तो वी आर कितना है 4 बटा 20 बराबर 1/5 बराबर 0.2, और ऐसे भी देखो यहाँ से 0.4 एम्पियर जा रहा है तो आधा आधा दोनों में चला जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस है तो 0.2 इसमें या 0.2 इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन अच्छा था। एक कॉल आ रहा है, हेलो। हाँ तो तुम बात कर लो, क्या दिक्कत है, तब तक तो फिर कोई और। अच्छा ठीक है, हम कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आया है पूरा? नो सर, नंबर 2 आई कांट अंडरस्टैंड हाउ यू फाउंड।
आर का वैल्यू कैसे आया? अच्छा रुक जाओ एक मिनट, एक कॉल आ रहा हाँ है उससे हम बात करके बताते हैं। हाँ सेकंड वाला बोल रहा है ना? सेकेंड वाला में हम लोगों निकालने के लिए क्या बोला था? ए आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला था ना, ये पूछा था कि इस आर का वैल्यू कितना होगा, और हम लोग निकाल लिए थे कि ये टोटल जो आर होगा वो कितना होगा, 10 होगा ना। तो 10 बराबर ए बी मतलब 20 इंटू आर बटा 20 प्लस आर, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ इसमें 2R इक्वल टू 20 प्लस आर, तो R बराबर 20। ठीक है ना। क्या अब आल तो नहीं हो पाएगा उसको, अब नेक्स्ट दिन करेंगे, क्वेश्चन ही कर लो और एक दो। एक तो और क्वेश्चन ए वाला करो, तो यह है कि इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद छूटना नहीं चाहिए, काफी ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रहती है ना मतलब। हाँ खैर थोड़ा बड़ा तो रह ही जाता है यहाँ से ऐसे। यहाँ पर दो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर फिर 3 रजिस्टर हैं। ये वाला है 1.8 वोल्ट, ये 10 और ये वाला 40, अरे 30, 20 और 60, 30, 20, 60। इसमें पहला निकालना है टोटल रेजिस्टेंस आर टी, और सेकेंड निकालना है रीडिंग ऑफ आमीटर। सो व्हाट इज आरटी? आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कैसे किया? पहले तो दोनों पैरेलल में 10 और 40 ना, और फिर रेजिस्टेंस एक बार हम निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। 10 और 40 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 × 40 बटा 10 + 40, तो ये आ जाएगा 400 बटा 50 ना, 8 ओम। और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का निकालेंगे तो 60 × 20 1200 बटा 80, 8 से कटेगा ये 8 5 15, फिर 15 और 30 को कर लो, 15 × 30 बटा 45, 10, ये 10 आया ना, तो 10 और 18, 18 ओम आया था तुम्हारा आर टोटल। सर टोटल रेजिस्टेंस पे 18 ओम और सप्लाई वाज कमिंग 13.45 ओम। तो कहीं पर गलती हुआ है शायद, तुम नीचे वाला देखो तो नीचे वाला तुम्हारा 10 ओम आया था। नो सर 60/11।
तो वही गलती हुआ है, इसको हम दूसरा मेथड से कर ले क्या? वन बाई आर इक्विवेलेंट हाँ कर, यस बेटर। वन बाई आर इक्विवेलेंट मेथड से करते हैं, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम 60 आ गया, 20 60 और 1, तो 3 2 5 6/60 आ रहा है, मतलब कि 1/10। तुम्हारा एलसीएम में गलती हुआ होगा। इट इज 60 ओम ना द थर्ड वन सर, आई हैव टेकन इट एज 10 ओम। ओ अच्छा, इसलिए तो ये तो टोटल 18 आ गया रेजिस्टेंस। तो अब नया सर्किट कैसा बनेगा? ऐसा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 18 ओम का, यहाँ पर 1.8 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा? वी बटा आर बराबर 1/10 बराबर 0.1 एम्पियर। सर विल यू गिव एनी अदर क्वेश्चन आल्सो? हम पीडीएफ तुमको सेंड कर दे रहे हैं, इसमें से और तुम देख लेना अगर कहीं पर कुछ डाउट रहे तो। सर एक्चुअली आई हैड वन डाउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हाँ बोलो। सर। यस सर, प्रूव दैट साइन 43 कॉस 47। एक मिनट, साइन सर साइन 43 कॉस 47 कॉस 47 सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉस 43 कॉस 43 इनटू साइन 47 साइन 47 इज इक्वल टू इक्वल वन, टू 1। हाँ यस सर। ये तो बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? देखो हम लोग जानते हैं वन तभी होगा जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है? तो इसको स्क्वायर में करना पड़ेगा, मतलब इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 43 इंटू साइन 90 माइनस 43 प्लस कॉस 43 इंटू, साइंस का 43 10 का उसको। हाँ आ गया ना, हाँ बनना चाहिए सारा क्वेश्चन। सर वन फ्रॉम रियल नंबर्स रिलेटेड टू द लास्ट डे यू डिड। अच्छा बोलो। हाँ सर वेट। यस सर। सो इफ एन इज एन ऑड इंटीजर शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8। एस एक्स स्क्वायर सर इफ एन 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 इफ स्क्वायर एन नो सर इफ एन इज एन ऑड इंटीजर शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8। एन ऑड इंटीजर दिया है और हम लोग को प्रूफ करना है कि एन स्क्वायर माइनस वन जो है इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल है। इसमें थोड़ा लंबा जाएगा ये, सर दिस इज फ्रॉम आर एस सर। लिख लो। ऑड नंबर है तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा? एन ऑड है ना, तो एन को बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2q+1, ठीक है? ऑड को ऐसे इसी तरह से लिखते हैं ना। q+1 और 2q+2। हाँ, तो एन स्क्वायर माइनस 1/8 हम लोग लिखेंगे 2q+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/8। या 8 को छोड़ दो, 8 को नहीं लिखते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4q² + 4q, बस ना इतना ही आएगा। अब यहाँ पर क्यू के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, 0 को छोड़ दो, क्यू के जगह पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 8 आ रहे ना, डेट इज डिविजिबल बाई 8। क्यू के जगह पर 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा? 16 + 8 24, ये भी डिविजिबल बाई 8।
उसी तरह से तीन पुट करेंगे, मतलब कोई भी नंबर पुट करेंगे तो 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो नीचे में एक लाइन एक एक कर देना तीन स्टेप तक, क्यूब बराबर 1 फिर 2 फिर 3 लेकर के, और करने के बाद नीचे में लिखेंगे इट इज कंक्लूडेड डैट इट इज कंक्लूडेड डैट 4q² + 4q इट इज कंक्लूडेड डैट 4q² + 4q इज डिविजिबल बाय एट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आर अग्रवाल स्टेप्स, सबसे पहले एन बराबर 2q + 1 ले लिए, फिर हम लोग n² - 1 निकाल लिए, n² - 1 निकाले तो ये आया 4q² + 4q। सिंपल है, बस n बराबर 2q + 1 पुट कर देना है, और उसके बाद q के जगह पर हम लोग रख दिए 1 2 3 तीन ठो नंबर रख करके हम लोग यहाँ पर दिखा दिए कि ये सारा 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह से नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो गया। रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तुम व्हाट्सएप भी कर देना, फ्री होंगे तो हम देख लेंगे। हाँ व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट क्लास हम लोग का कब है? तुम्हारा तो कल है, तो मंडे को हम लोग करेंगे मैथ प्लस बायोलॉजी। पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ए फ्राइडे को कर लेना। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, सैटरडे है, इसको हम सैटरडे के दिन ही खत्म करेंगे करंट वाला। कल बायो का पहला चैप्टर कर लेंगे। मेरा सर, मेरा तुम्हारा तो कल हम लोग जो छूटा हुआ है वो कर रहे थे ना। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, मैथ का तुम भेज देना एक बार, हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, पहला चैप्टर जो है वो भेज देना। तो मैथ के साथ नहीं होगा तो देखते हैं बायोलॉजी या कुछ देखेंगे। हाँ, बाकी वैसे सिलेबस तो कम है, नहीं कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर, बाय बाय।